ये मेरा ब्लाउज का मेन फैब्रिक है और इसमें दो गो अस्तर लगाएंगे। तो एक सैटिन का अस्तर लेंगे जो इसी से मैचिंग करता हुआ ग्रीन कलर का है, और दूसरा ये कॉटन फैब्रिक है जो अस्तर में यूज होगा। तो अभी इन दोनों फैब्रिक का काम नहीं है, इनका काम बाद में होगा। अभी सबसे पहले इस अस्तर फैब्रिक का काम करेंगे, कॉटन अस्तर वाले का। एक बाल्टी पानी ले लेंगे और ये 1 मीटर कपड़ा है, सैटिन भी 1 मीटर था, और इसको खोल के पूरा अच्छे से खोल लेंगे और एक जगह करके इसमें डिप कर देंगे अच्छे से। अच्छे से इसको भिंगा लेंगे। इसको 2-3 बार डिप करना है अच्छे से और फिर इस तरह से निचोड़ना है। तो इस तरह से करते हुए टोटल 3 बार किए हैं और ये अब लास्ट है। तो इसको अच्छे से जितना पानी निकल सकता था उतना निकाल लिए हैं और इसको सूखने के लिए रस्सी पे घर में ही दे देंगे, क्योंकि ये कपड़ा बहुत पतला होता है और चूंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो रस्सी पे अच्छे से फैला के डालेंगे। और इस तरह से देने के बाद इसको कुछ देर छोड़ेंगे, 1.5 घंटा से 2 घंटा के अंदर में ये सूख जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे का प्रोसेस करेंगे। 10 मिनट के अंदर ही कॉटन फैब्रिक पीस सूख गया है। तो अब इसको निकाल लेंगे, रस्सी से हटा लेंगे और इसको प्रेस करने का तरीका देखेंगे। प्रेस करने के लिए यहाँ पे दरी ले लिए हैं और उसको 2 फोल्ड में करके फिर उसको बिछा दिए हैं, और उसके ऊपर एक कॉटन का चादर ले लिए हैं। तो ये प्रेस करने के लिए बेस रेडी करना है, उसके बाद ही प्रेस लगाना है। इसको कॉटन के लिए सेट कर लिए हैं आयरन को, और उसके बाद अब इसको ऑन कर देंगे। तो ये मेरा प्रेस अच्छे से लग गया है। ये मेरा पेपर कटिंग भी रेडी है, क्योंकि ड्राफ्ट बनाने के साथ ही पेपर कटिंग भी रेडी कर लिए थे। तो जो भी बिगनर्स हो वो डायरेक्ट कपड़ा पे कटिंग ना करे, पहले पेपर कटिंग कर ले, उसके बाद ही कपड़ा पे उसको रख के करेंगे। करने का तरीका आगे बताएंगे।
तो इस तरह से करने से कम गलती होता है और क्योंकि मेरा फैब्रिक स्टोन वाला है मेन फैब्रिक क्लॉथ का तो इसलिए जो बोर्ड पे बताए थे तो फैब्रिक मेन फैब्रिक के अनुसार ही चेंज करना रहता है सारा कुछ। तो यहाँ पे फ्रंट साइड में नेक लेंथ यहाँ से यहाँ तक नेक लेंथ 6.5 इंच लिए हैं और बाकी सब कुछ चेंज सेम ही रहेगा बताए जैसा ही। और ये फ्रंट ओपन पार्ट रहेगा और पीछे वाले में बैक पार्ट में बैक पार्ट के नेक में चेंजिंग किए हैं। तो एक तो जैसे बताए थे वैसे भी कर सकते हैं, दूसरा जितना भी यहाँ पे लेंथ लिए हैं यहाँ से यहाँ तक टोटल तो 12 है तो उसका हाफ पे 6 इंच पे इधर बाहर की ओर आर्क होल साइज की ओर 1 इंच का यहाँ से 1 इंच बढ़ा दिए हैं और बढ़ाने के बाद इसको आगे करते हुए यहाँ पे सेप लगा दिए हैं तो इससे थोड़ा गला फैला हुआ बनता है। और मेरा मेन फैब्रिक पे इस वेस्ट लाइन पे स्टोन एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है तो इसलिए वहाँ पे इस जगह पे बैक पार्ट में वेस्ट टक्स नहीं लेंगे, बिना वेस्ट टक्स का ही बैक पार्ट रेडी होगा और उसके अलावा जो जैसे बताया गया था सब कुछ वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। और इसमें शॉर्ट स्लीव्स बनाए हैं। यहाँ पे पहले ही सारा कुछ बताया जा चुका है कि इस ब्लाउज में कैसे क्या करना है, कहाँ पे क्या मेजरमेंट लेना है। मेन यहाँ पे राउंड बस्ट और राउंड वेस्ट है तो राउंड बस्ट अपना बॉडी पे लेने के लिए या कस्टमर की बॉडी पे लेने के लिए सबसे हाईएस्ट बस्ट पॉइंट पर राउंडली इंच टेप को बिना लूज किए हुए और बिना दबाव डाले हुए जितना भी आता है उतना ले लेंगे। और राउंड वेस्ट जहाँ बड़ा का इलास्टिक आता है वहाँ पे लेंगे तो वही हम लोग का ब्लाउज के लिए वेस्ट और ऊपर में बस्ट निकल जाता है। अब इसको फैब्रिक पे कैसे काटेंगे उसका तरीका देखेंगे। ये मेरा प्रेस किया हुआ फैब्रिक है तो ये बंद अंदर का साइड जो रहेगा वो उल्टा वाला रखेंगे और ऊपर से सीधा वाला रखेंगे। क्योंकि धुलने के बाद कॉटन फैब्रिक अस्तर ब्लाउज का अस्तर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो उसको इसी तरह से सेट करेंगे तभी सारा कुछ सारा पल्ला इस पर कट पाएगा चारों पीस। तो सबसे पहले तो वहाँ हम लोग का ये बैक पार्ट है जो कि यहाँ से कट नहीं लगा हुआ है क्योंकि ये फ्रंट ओपन है बैक ओपन नहीं है तो इसके लिए जरूरी था कि यहाँ पे 2 फोल्ड हो ही तो इसलिए सबसे पहले इसको कर लिए और उसके बाद इसको किए हैं। और यहाँ पे 2 फोल्ड पे ही स्लिप्स को लेना है लेकिन ये दोनों पार्ट नहीं आ पा रहा था तो एक यहाँ पे ले लिए और दूसरा को क्या किए इस वाले लाइन पे ले लिए और यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए भी ले लिए हैं ताकि यहाँ पे सिलाई कर बीच में जॉइंट डाल देंगे क्योंकि इसको रहना तो अंदर ही है। तो इस तरह से ये चारों इस पर लग गया है और फिर उसके बाद क्लॉथ फैब्रिक चौक आता है उसे चारों निशान भी लगा लिए हैं। तो सेम इसी तरह से अब इसको सेट करने के बाद चौक से निशान लगाने के बाद कटिंग कर लेंगे और अभी पेपर नहीं हटाएंगे। तो ये चारों पार्ट अब कट गया है इसमें से फ्रंट पार्ट को लेंगे और इस साइड का यहाँ का पिन निकालेंगे
इसके दोनों के बीच में ही निशान लगाएंगे क्योंकि यही दोनों उल्टा है और सीधे के साइड में ही हम लोग कटिंग किए थे रख के। तो इस तरह से इस पॉइंट पे सबसे पहले पिन रखेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको डालेंगे और बीच में खोल के देखेंगे। तो ये देखिए पिन यहाँ आता है, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे। और एक नीचे में डालेंगे सेम ऐसे यहाँ पे पिन और अंदर की तरफ दूसरा निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे जहाँ स्टार बना हुआ है। अब इन सब को डार्क कर लेंगे। और सेम इसको बंद कर लेंगे तो दूसरी तरफ भी इसका निशान आ जाएगा। आ गया है और इसको भी अब डार्क कर लेंगे। इसके अलावा फ्रंट में अभी कोई निशान नहीं लगेगा। दोबारा से जैसे था वैसे ही यहाँ पे पिन लगा लेंगे। और अब ये सेटिन फैब्रिक लेंगे फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों को अच्छे से सैटिन फैब्रिक पे सेट कर लिए हैं और अब इसको कट लगाएंगे। ये मेरा दोनों स्लीव्स कट गया है, ये बैक पार्ट है और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। इसमें अभी नेक नहीं काटे हैं और बाकी जितना भी लिए हैं चारों ओर से तो सब जगह से ये बढ़ा के काटे हैं जो कि बाद में ट्रिम हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि सैटिन का कपड़ा है फिर इसका धागा निकलने लगता है तो इसलिए इसको ज़्यादा कर करके ही काटे हैं, बिल्कुल फिक्स करके नहीं काटे हैं और बाद में एक बार इंटरलॉक होने के बाद फिर दोबारा से इसको प्रिंट कर लेंगे। तो इसी तरह से फ्रंट बढ़ा के बैक को भी उसी तरह से और ये स्लिप्स को भी उसी तरह से काटते हैं। अब इन सबको इंटरलॉक कर लेंगे। सबसे पहले बैक पार्ट लेंगे और जो भी पिन अप किए थे टू फोल्ड पे वो सब सारा पिन निकाल लेंगे। पेपर हटा लेंगे और सीधा वाला नीचे की तरफ है और कॉटन में सीधा वाला ऊपर की तरफ है। तो इसका उल्टा, सैटिन का उल्टा और कॉटन का उल्टा दोनों एक तरफ करके रखेंगे और इसको यहाँ पे अभी ही सेट कर लेंगे।
इसलिए नेक पहले नहीं कट किए थे, नहीं तो फिर यहीं पे सेट कर देता है, उसके कारण दिक्कत होते रहता है, तो इसलिए तो ये मेरा अब अच्छे से हो गया है। तो इसको पिन लगा लेंगे ताकि जो जैसे सेट किए हैं वैसे ही बना रहे। तो इसी तरह से इसको हर तरफ से कर लेंगे। तो इस तरह से चारों पिन लगा लिए हैं, तो बाकी जो स्लिप्स है और फ्रंट पार्ट है उसको भी इसी तरह से हर ओर से मार्जिन रखते हुए ही पिनअप करेंगे, और अब और चारों ओर से भी इसको लॉक कर लेंगे। ये मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, इसको अढ़ाई पे करके ही इसका सेट किए थे। धागा का डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा नहीं लेना चाहिए इसको। तो इसी तरह से अब फ्रंट पार्ट का भी कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट का भी पेपर निकाल के ऐसे सेट कर लिए हैं, चारों ओर मार्जिन रखते हुए और दोनों नेक को एक ओर करते हुए। इधर सैटिन का फैब्रिक है उल्टा वाला, और ये दोनों के बीच में दोनों फैब्रिक का उल्टा पार्ट है इसके अंदर में, और ये वाला सीधा पार्ट कॉटन का। तो दोनों को अब इन दोनों को इंटरलॉक कर लेंगे।
स्लीव्स का पार्ट है, तो यहाँ पे एक स्टिच लगाना है। यहाँ पे स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे जो नॉर्मल आता है मशीन में। ये मेरा कंप्लीट हो गया है, इसको भी फैब्रिक पे सेकंड फैब्रिक पे सेट कर लेंगे। ये दोनों स्लीव्स को भी सेकंड फैब्रिक पे सेट कर लिए हैं, और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में तो आर्म होल के पास शेप लगाए थे फ्रंट बैक का, लेकिन स्लीव्स में कोई शेप नहीं लगा है। नॉर्मली जो कटता है उसी तरह से कटा है, फ्रंट पार्ट के लिए कोई शेप हम नहीं लगाए हैं। तो इधर अंदर इधर है सैटिन का फैब्रिक, और दोनों ही फैब्रिक का उल्टा बीच में है, इसका भी और इसका भी। तो ये दोनों को पिनअप करके सेट कर लिए हैं, अब इसको भी चारों ओर से इंटरलॉक कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जहाँ से ओपन होता है पहले उसको करेंगे अटैच, इंटरलॉक करेंगे। स्लीव्स में दोनों ओपन पार्ट पे लगाने के बाद उसके बाद सारा पिन खोल के दोबारा से इसको पिन करके सेट करेंगे, फिर इसको इंटरलॉक करेंगे। जहाँ पे इस तरह से बैठे नहीं तो पिन खोल के भी उसको बैठा ले, उसके बाद ही इसको आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे सारे को सारा पार्ट को टोटल 4 पार्ट है तो उसको इंटरलॉक कर लिए हैं अच्छे से। स्लिप्स में ध्यान देना है कि इस ओर भी इंटरलॉक लगाना है, इधर भी, लेकिन जो फ्रंट और बैक पार्ट है उसमें वेस्ट पार्ट पे इंटरलॉक नहीं करना है, बाकी सारे और करना है। तो अब जो मेन फैब्रिक, इसमें हम लोग कॉटन फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही सबको ट्रिम कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सैटिन का, और सारे को इस तरह से ट्रिम करके पहले रख लेंगे। सारा फैब्रिक अच्छे से ट्रिम हो गया है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था सैटिन का वो सारा ट्रिम करके उसको निकाल लिए हैं, और अब इसको आयरन कर लेंगे। और बारी बारी से सारे को कॉटन की तरफ से आयरन कर लेंगे ताकि सारा कपड़ा अच्छे से बैठ जाए और सेट हो जाए। मेन फैब्रिक को उल्टा करके फैला लिए हैं और ये बैक पार्ट लिए हैं सैटिन और कॉटन अस्तर और उसको इस तरह से इस पर अच्छे से रख देंगे।
तरह से फैब्रिक को रख के मेन फैब्रिक को और चारों ओर से पिनअप पिन कर लेंगे। यहाँ पे सेकंड फैब्रिक जो है वो मेरा ऊपर की तरफ रखा हुआ है और उसके ऊपर से मेन फैब्रिक है। और इतना करने के बाद फिर साइड से जहाँ पे पता है कि एक पैर का मार्जिन होगा और मशीन चलेगा तो वहाँ का सारा स्टोन चारों ओर से निकाल लेंगे। चारों ओर से करके यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखें क्योंकि यहाँ का स्टोन नहीं निकालना है और बाकी को हाथ से ही निकाल लेना है। तो यहाँ पे फैब्रिक कट नहीं किए हैं, बस जैसे कपड़े रखे थे वैसे ही सीधा मेन फैब्रिक के साथ इसको पहले लॉक कर लेंगे, उसके बाद ही इसका कटिंग करेंगे। और सीधा तरफ से रखेंगे, उस तरफ से नहीं रखेंगे तभी अच्छे से बैठ पाएगा। अब आर्म होल पे लगाएंगे।
इन सब का आप पिन निकाल लेंगे और जैसे कॉटन का फैब्रिक है उस तरह से इसका भी कटिंग कर लेंगे। इस साइड को फॉलो कर देंगे। ये फ्रंट पार्ट है तो इसको भी बैक पार्ट की तरह ही, यहाँ साटिन का सुलटा है सरफेस है और फिर इसकी ऊपर से मेन फैब्रिक को रख के वेस्ट पार्ट पे नहीं लगाएंगे लॉक स्टिच और बस बाकी सारे और लगा लेंगे। स्लीव्स का कटिंग करना देखेंगे तो मेन फैब्रिक में इतना और इतना दूरी और दोनों पास पास ही ये एम्ब्रॉयडरी करके स्लीव्स के लिए दिया हुआ है तो इसी में से स्लीव्स रेडी करना होता है। तो थोड़ा सा सिलाई मार्जिन छोड़ के इसको कट लगा लिए हैं और उस पार्ट को अलग कर लिए और यहाँ पे मेरा इतना फैब्रिक जो घट रहा है तो इस पीस को जोड़ के इसको कंप्लीट करके निकाल लेंगे। तो इस वाले में जोड़ पड़ता ही है, एक में कम जोर में होगा और उस वाले में ज़्यादा जोर में होगा। तो नॉर्मली हम लोग बायां साइड साड़ी का पल्ला लेते हैं तो ये जो ज़्यादा जोर वाला रहेगा वो बायां साइड अटैच होगा और जो कम वाला है वो दायां साइड की ओर अटैच होगा। तो स्लिप्स में ये बात ध्यान रखना जरूरी होता है जब रेडीमेड जिसमें स्लिप्स दिया हो और बिल्कुल पास पास दिया हो तो उसको इसी तरह से कटिंग करेंगे। यहाँ से मिलाते हुए और यहाँ पे सीधा स्टिच से इसको जोड़ेंगे। इस तरह से मेरा चारों पार्ट, ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट और ये मेरा स्लीव्स, मेरा रेडी हो गया है। टोटल तीन लेयर इसमें लगा है और सैटिन फैब्रिक इसलिए यूज किए हैं ताकि इसका साइन बढ़े। तो ये अब मेरा रेडी हो गया है फैब्रिक। इसका आगे का नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जा रहा है कि ये कैसे स्टिच होगा और क्या अटैच करने का तरीका है।